इस पावन धरती पर बुंदेलखंड विकास की नींव को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन चित्रकूट के इस धराधाम पर हुआ है। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर आगमन बुंदेलखंड के विकास के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भगवान राम के संकट के काल के समय चित्रकूट संबल बना था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों के इंतजार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करवाया है। इसलिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद पहली बार इस देश का गांव, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं देश के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बन पाए हैं। इससे पहले जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग किस प्रकार की राजनीति करते थे, ये बुंदेलखंड तो उसका साक्षात उदाहरण है। विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना को यहां पर आधारशिला रखी थी और इसी महीने, इसी मार्च महीने में यह व्यवहारिक रूप से हर गांव में पेयजल की स्कीम यहां लागू होने वाली है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपकी अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रही है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड को बारे में वास्तव में पहले लोग नहीं सोच पाते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड का किसान हमेशा एक बात की मांग करता था कि लघु और सीमांत किसानों के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए। और जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी किसानों को हम 6000 रुपया सालाना देंगे और बुंदेलखंड का सभी किसान उससे आच्छादित हो गया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी आपका। उत्तर प्रदेश का 2,05,00,000 किसान अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होकर के अकेले उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में आ चुकी है। और यही नहीं भाइयों बहनों, जब याद करिए पुलवामा हमले के बाद जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की झांसी की धरती पर आए थे और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा जवान तय करेगा कब और कहां कैसे देश का यह बदला लेना है। और भाइयों बहनों, अब डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बन रहा है, बुंदेलखंड से बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर दाल उगलने का कार्य करेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए, डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड आखिर क्यों यहां का नौजवान पलायन करेगा? अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके अनुकंपा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। हमारा चित्रकूट धाम
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में राष्ट्र श्री नानाजी देशमुख के उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जिसके लिए उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की थी। ये किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ, किसान क्रेडिट कार्ड, ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो आज प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में कर दिया है। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही जहां डिफेंस कॉरिडोर और यहां पर बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर मूंग दलने का तो काम करेगी ही, यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी, यहां के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, साथ साथ यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज बुंदेलखंड के लिए चित्रकूट की धरती पर आए हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संकट के समय की सबसे बड़ी साक्षी बनी चित्रकूट की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका मार्गदर्शन इस देश के लिए, हम सब के लिए निरंतर इसी प्रकार से बना रहे इस विश्वास के साथ मैं बुंदेलखंड वासियों को इस प्रकार की मिलने वाली इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान